Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के इस व्याख्यान नंबर नौ में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से आपका इस व्याख्यान में स्वागत करती हूं। आज के इस विषय में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल को जिसको प्रदर्शन का मूल्यांकन भी कहा जाता है तो चलिए बात करते हैं क्या क्या टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे किन विषयों पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदर्शन मुख्यालय की प्रक्रिया क्या है दी परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस किस तरीके से ये किया जाता है प्रदर्शन मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कारक क्या, है? क्या factors हैं क्या फैक्टर्स हैं जिससे ये अफेक्टेड होता है प्रदर्शन मूल्यांक के लाभ क्या हैं इससे हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं प्रदर्शन मूल्यांक की समस्याएं क्या क्या समस्याओं का सामना इनको करना पड़ता है प्रॉब्लम्स क्या ये फेस करते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे इसके साथ ही हम बात करेंगे भारत में प्रदर्शन मूल्यांक की प्रथाएं क्या हैं हाउ पॉपुलर इट इज़ एंड हाउ वी आर डीलिंग विद परफॉर्मेंस अप्रेजल इन आर कंट्री कॉल्ड इंडिया प्रभावी प्रदर्शन मूल्यांक कैसे किया जा सकता है हाउ टू मेक इट मोर इफेक्टिव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड प्रदर्शन मूल्यांक की अवधारणों को समझेंगे आप आप समझ पाएंगे इसका कंसेप्ट क्या है निष्पादन मूल्यांक का अर्थ और महत्व के बारे में आप बता सकेंगे यू विल बी एबल टू स्टेट द मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इसके साथ ही आप डिस्कस कर पाएंगे इसके बेनिफिट्स को और प्रॉब्लम्स को तो चलिए बात करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल की आगे बढ़ते हैं इसके साथ हम बात करेंगे उद्देश्यों की आज का ये व्याख्यान पढ़ने के बाद क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आप पूरे कर पाएंगे इस व्याख्यान को समझने के बाद आप प्रदर्शन मूल्यांक की अवधारणाओं को समझेंगे इसके साथ ही आप निष्पादन मूल्यांक का अर्थ और महत्व भी बता सकेंगे साथ ही आप डिस्कस कर पाएंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या बेनिफिट्स हैं इसके क्या लाभ हैं इसके बारे में इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में आपको समझ में आएगा प्रदर्शन मूल्यांक की प्रक्रिया के चरणों की गणना आप कर सकेंगे प्रदर्शन मूल्यांक के उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार कर पाएंगे इसके साथ ही जो बहुत सारे विभिन्न प्रकार के परफॉर्मेंस अप्रेजल मैथड्स हैं उनको आप जान पाएंगे और भारत में कुछ प्रदर्शन मूल्यांकन प्रथाओं की रूपरेखा किस प्रकार से है इसको हम यहाँ पर आगे समझ पाएंगे जो शुरुआत करते हैं परिचय से इंट्रोडक्शन से परफॉर्मेंस अप्रेजल होता क्या है और किस प्रकार से हम इसको करते हैं किसी भी संगठन में किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की मूल्यांकन को प्रदर्शन मूल्यांकन कहा जाता है जो भी कर्मचारी कर्मचारियाँ कार्य कर रहे हैं किसी भी संगठन में वो किस प्रकार कार्य कर रहे हैं उनके कार्य का मूल्यांकन जो होता है उसको हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स मोटिवेशन टू एम्प्लॉयज़ हु आर एफिशेंट एंड कैन वर्क इन दी बेस्ट वे ये मूल्यांकन करना इसलिए भी बहुत आवश्यक है ये कहीं ना कहीं हमारे जो कर्मचारी हैं उनको ये प्रेरित करता है जो अपने कार्य को बहुत अच्छे से एफिशेंटली करते हैं तो यहाँ पर मालूम होना चाहिए कि ऐसे कौन से कर्मचारी हैं जो अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर रहे हैं अगर उनके कार्य को हम सराहना नहीं करेंगे उनके कार्य की हम तारीफ़ नहीं करेंगे तो उनको मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक ऐसा ज़रिया है जिसके द्वारा हर हम कर्मचारी के कार्य के मूल्यांकन को करते हैं हम देखते हैं कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है और अगर वो अच्छा कार्य करता है तो विशेष रूप से उसको इस बात से प्रोत्साहन होता है और वो अपने कार को आगे और बेहतर तरीके से करता है प्रदर्शन मूल्यांकन का एक व्यापक शब्द है और इसका प्रयोग उपयोग प्रदोति के अलावा प्रशिक्षण और विकास वेतन वृत्ति संस्थान्तरण निर्वाहन आदि की आवश्यकताओं को पता लगाने के लिए भी किया जाता है ऐसा नहीं है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल से हम केवल जो कर्मचारी है उसकी प्रदर्शना प्रदर्शनी का ही मूल्यांकन करते हैं इसके अलावा भी ये हमारे संगठन में और सारे डिसीजन मेकिंग में भी हमें मदद करता है जैसे कि हमें एम्प्लॉय के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की कोई ज़रूरत है मूल्यांकन से आप ये जान पाएंगे कि जो आपका कर्मचारी है वो कार्य किस प्रकार से कर रहा है अगर वो कार्य को करने में किसी प्रकार से सक्षम नहीं है या उसको उस कार्य की ज़्यादा जानकारी नहीं है तो कैसे हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से उसको और ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं इसके साथ ही ये सैलरी में बढ़ोतरी करने के लिए भी कार्य करता है अगर कोई कर्मचारी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है अपना तो बहुत आवश्यक है कि हम उसके वेतन में भी वृद्धि करें ताकि उसको इस बात से प्रोत्साहन मिले उसका ट्रांसफ़र और डिस्चार्ज किया जा सकता है और प्रमोशन भी किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है उसके कार्य का जो प्रदर्शन होगा जो मूल्यांकन होगा उससे बहुत सारे डिसीजंस लेने में संगठन को मदद मिलती है आगे बात करते हैं इसका मीनिंग क्या है अगर हम इसके मीनिंग को डिफ़ाइन करें तो परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिस्टमैटिक और एक ऑब्जेक्टिव वे है जिसके द्वारा हम इवेलुएट करते हैं किसी भी व्यक्ति की रिलेटिव वर्थ एंड एबिलिटी उसकी क्या वर्थ है उसकी क्षमताएँ क्या हैं उसके उसके जो स्किल्स हैं उसके केपेबिलिटीज़ की हम जानकारी लेते हैं कि वो किस प्रकार से अपने जॉब में अपने कार्य में कार्य कर रहा है सो so, प्रदर्शन मूल्यांकन किसी कर्मचारी के काम करने में उसके सापेक्ष मूल्य या क्षमता का मूल्यांकन करने का एक व्यस्थित और आदेशपूर्ण तरीका है ये बहुत ज़रूरी है और इसीलिए हम ऑर्गेनाइजेशन में इसको करते हैं सभी संगठन इसको आ, करती हैं आज के समय पे इससे आपको पता चलता है कि जो आपके कर्मचारी हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं और अगर उनके कार्य करने में उन्हें कोई समस्याएँ या दिक्कतें आ रही हैं तो किस तरीके से हम उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के द्वारा बेहतर बना सकें ताकि वो अपने कार्य में और अच्छा प्रदर्शन कर सकें अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन हम बात कर लेते हैं फ्लिपो के द्वारा फ्लिपो क्या कहते हैं वो बताते हैं कि मानव संसाधन के क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्तित्व फ्लिपो के अनुसार प्रदर्शन मूल्यांकन एक कर्मचारी की उसकी वर्तमान नौकरी से संबंधित मामलों में उत्कृष्टता और बेहतर नौकरी के लिए उसकी क्षमता की व्यवस्थित आवधिक और निष्ठक्ट रेटिंग है इसमें हम क्या कर रहे हैं उसके प्रेजेंट जॉब में उसके पोटेंशियल की उसके एक्सेलेंस की रेटिंग करते हैं कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है उसके सिस्टमैटिक सिस्टेमैटिक सिस्टमैटिक तरीका है जिसको कि हम पीरियोडिक फॉर्म में करते हैं एक समय के बाद हर दिन हर हर महीने नहीं होती है बट एक समय निश्चित रहता है संगठन में कितने समय के बाद आप उसकी जो कार्य है उसका आप मूल्यांकन करेंगे उसके द्वारा आप उसके पोटेंशियल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि प्रेजेंट जॉब में जो उसका कार्य है उसमें वो किस तरीके से करता है दूसरी जो डेफिनेशन है वो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई है वो कहते हैं अ रेगुलर एंड अ कंटेनअस एवैल्युएशन लगातार हर समय होना चाहिए एवेल्युएशन ताकि हम क्वालिटी क्वांटिटी एंड स्टाइल ऑफ द परफॉर्मेंस अलोंग विद द असेसमेंट ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल कॉल्ड अ परफॉर्मेंस अप्रेजल जब आप किसी भी व्यक्ति की लगातार एक जानकारी करते हैं कि वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है किस क्या किस क्वालिटी से वो काम कर रहा है उसका स्टाइल ऑफ परफॉर्मेंस कैसा है उसके कार्य की मूल्यांकन को आप करते हैं उसी को हम परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं इसकी जरूरत क्या है क्या जरूरत है कि हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करें अपने कर्मचारियों का जो मूल्यांकन है उसे करने की हमें आवश्यकता क्या पड़ती है तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नौकरी पर कर्मचारियों के प्रदर्शन के बारे में जानकारी देना और रैंक देना जिसके आधार पर वेतन निर्धारणा पदावृत्ति पदोन्नित्री संतरण और पुष्टिकरण के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं जैसा कि हमने पहले भी बताया था परफॉर्मेंस अप्रेजल से ना केवल आपको उनके मूल्यांकन उनके कार्य का पता चलता है इसके साथ साथ आपको बहुत सारे संगठन में जो डिसीजन है वो लेने में आपको मदद करती है जैसे उनका सैलरी कितना होना चाहिए उनका डिमोशन किया जाए या प्रमोशन अगर वो कार्य अच्छा कर रहे हैं तो उनका प्रमोशन किया जाता है और अगर कार्य को वो बेहतर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत हद तक उनका डिमोशन भी होता है ट्रांसफ़र जैसे डिसीजन लिए जाते हैं तो ये सारे जो डिसीजंस हैं वो भी आपको लेने में मदद करता है परफॉर्मेंस अप्रेजल इसी की वजह से संगठन में परफॉर्मेंस अप्रेजल होना आवश्यक है परफॉर्मेंस अप्रेजल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट दी अमाउंट ऑफ अचीवमेंट एंड दी बिहेवियर ऑफ सबॉर्डिनेट इन देयर जॉब दॉब बताने में ये मदद करता है कि आपके जो अंडर लोग काम कर रहे हैं जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो कितना चीज़ें अचीव कर रहे हैं अपनी जॉब को किस तरह से काम कर रहे हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है उनका बिहेवियर कैसा है अपने कार्य में उन सब की जानकारी में आपको ये मदद करता है इसके अलावा यह आपको इफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट एन एम्प्लॉज रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस आपके जो कर्मचारी हैं उनकी क्या ताकतें हैं और उनकी क्या कमजोरियां हैं किस ताकत को हम किस तरह से और ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं संगठन के फ़ायदे के लिए संगठन के लाभ के लिए और उसकी जो कमज़ोरियाँ हैं उसको कैसे हम दूर करें बाई गिविंग दैम ट्रेनिंग एंड अदर नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स इसके अलावा ये आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आइडेंटिफाई करता है शॉर्टेज इन एम्प्लॉय रिगार्डिंग एबिलिटी अवेयरनेस एंड फाइंडिंग आउट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स आपको मदद करता है ये कि कैसे आप अपने एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज में जो कमियाँ हैं उसको आप देख पाएं और उसको दूर कर पाए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के द्वारा टू अवॉयड ग्रीव्यांसिस एंड डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन बहुत हद तक ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके संगठन में लोगों के मन में अगर कोई ग्रीव्यांसिस हैं क्योंकि कई बार लोगों के मन में इस तरीके के ग्रीव्यांसिस आ सकते हैं उनके मन में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि, कि किसी को प्रमोशन मिला है तो किसके आधार पे मिला है कोई आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे क्या बेसिस है तो अगर आपके संगठन में परफॉर्मेंस अप्रेजल होगा तो आप बेहतर तरीके से जवाब दे पाएंगे या बता पाएंगे लोगों को कि किसी को अगर आगे बढ़ाया जा रहा है या उसका प्रमोशन हो रहा है या अगर किसी वजह से किसी का डिमोशन हो रहा है उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो किस कारणवश किया गया है एटलीस्ट आपके पास बताने के लिए ये होगा कि आपने इनका परफॉर्मेंस अप्रेजल किया था कार्य का मूल्यांकन किया था जिसके आधार पर आपने ये सारे डिसीजंस लिए हैं अगर किसी को आप तनख्वाह ज़्यादा दे रहे हैं तो क्यों उनकी तनख्वाह ज़्यादा है क्या ऐसा किया उन्होंने जिसकी वजह से उनके वेतन में वृद्धि की गई है ये प्रत्येक बड़े पैमाने में संगठन में एक, एक सतत प्रक्रिया है ये ज़्यादातर जो बड़ी संस्थाने होती हैं उसमें हम इसको लगातार करते ही रहते हैं ये ऑनगोइंग प्रोसेस है क्योंकि इसको करने से आपको बहुत सारे डिसीजंस लेने में आपको ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे कार्य करने में सहायता मिलती है इसीलिए ज़्यादातर जो बड़ी संस्थान हैं वो इसको लगातार करती रहती हैं और इसके बेसिस पे डरमाइन करती हैं कि आपके इम्प्लॉयज़ अपने कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं कर रहे हैं तो उन्हें मोटिवेट किया जाता है और अगर नहीं कर रहे हैं तो भी उन्हें मोटिवेट किया जाता है कि वो बेहतर करें उनको उसी प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है उनको उसी प्रकार से काउंसिल किया जाता है ताकि वो अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर पाए अब बात करेंगे प्रदर्शन मूल्यांकन का महत्व इसकी आवश्यकताओं के बारे में तो हमने पढ़ा अब हम बात करेंगे इसके महत्व इसके होने से संगठन में किस प्रकार से आपको मदद मिलती है आपको क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस लगती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत ध्यान की जब हम किसी भी व्यक्ति का किसी भी कर्मचारी का मूल्यांकन करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हम उसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग करते हैं उसकी स्टडी करते हैं तो ये पर्सनल अटेंशन देता है हर एक इंडिविजुअल को हर एक एम्प्लॉई को आपके संगठन में कि आप उसके बारे में देखें कि उसने क्या कार्य किया किस प्रकार से किया उसकी पूरी एक स्टडी करने में आपको मदद मिलती है तो जब आप किसी इंडिविजुअल पे पूरा अटेंशन देते हैं तो उसके लिए भी ये बेहतर है अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है संगठन के लिए तो एटलीस्ट आपकी जानकारी में वो चीज़ आएगी और आप उसके बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे तो हर एक एम्प्लॉय को एक पर्सनल अटेंशन मिलता है परफॉर्मेंस अप्रेज़ल के थ्रू तो उनकी चीज़ों को समझने का कि, कि किस प्रकार से वो कार्य को कर रहे हैं कोई देखने वाला है उनके कार्य को अगर परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं हो तो आप सारे काम को शायद ग्रुप फॉर्म में अंडरस्टैंड करें या डिपार्टमेंटल फॉर्म में अंडरस्टैंड करें आप एक प्रत्येक व्यक्ति का क्या योगदान रहा है संगठन को आगे ले जाने में उसमें शायद आपका ध्यान ना जाए लेकिन क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल है तो हर एक एम्प्लॉय को हर एक कर्मचारी को एक पर्सनल अटेंशन मिलता है दूसरा इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें प्रतिक्रिया करने में मदद करता है फीडबैक देने में मदद करता है और फीडबैक को हमेशा हमें पॉजिटिव में ही लेना चाहिए क्योंकि ये मदद करता है हमें, हमें हमारी ग्रोथ करने में हमें आगे जाने में अगर हमें मालूम ही नहीं होगा कि हम कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं कोई हमें बताएगा ही नहीं कि हमारा कार्य किस प्रकार का है तो शायद हम उसमें इम्प्रूवमेंट ना कर पाए क्योंकि हमें लगेगा कि हम अपने कार्य को सब सर्वश्रेष्ठ तरीके से ही कर रहे हैं लेकिन हो सकता है कि उसमें बहुत सारी कमियाँ हो तो इसके द्वारा आपको फीडबैक मिलता रहता है फ़ीडबैक से आपके पास स्कोप होता है कि आप अपने आप को और बेहतर बना सकें अपने आप को और ग्रो कर सकें जिससे कि आप की चीज़ों में सुधार आए तीसरा ये आपको करियर प्राथ में भी डेवलपमेंट करता है क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल से आपको अपने पोटेंशियल का अपने कैपेबिलिटीज का अपने एबिलिटीज़ का पता चलता है और आपके पता चलने के साथ साथ संगठन को भी पता चलता है तो अगर कोई ऐसा कर्मचारी है जिसके अंदर वो पोटेंशियल है और उस कार्य को वो बेहतर तरीके से कर रहा है उसके अंदर और क्षमताएँ हैं जिसके कारण उसको प्रमोशन भी मिल सकता है और उसका करियर भी आगे बेहतर हो सकता है क्योंकि कोई जानने वाला ही नहीं होगा अगर आपके कार्य को आपकी क्षमता को आपके पोटेंशियल को तो किस तरह से आप आगे, आगे मूव करेंगे तो जीविका पथ के लिए भी ये बहुत जरूरी है करियर पाथ के लिए भी बहुत जरूरी है कि आपके परफॉर्मेंस का अप्रेजल होता रहे ताकि आप आगे अपना करियर डिफाइन कर सकें आप अपने करियर की प्लानिंग कर सकें इसके अलावा एम्प्लॉ अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कर्मचारी जवाबदेही जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो ये कर्मचारी को भी पता है कि कुछ समय बाद उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाएगा देखा जाएगा समझा जाएगा संगठन के जो आपके अधिकारी हैं वो आएंगे और देखेंगे कि आपने क्या कार्य किया तो आपकी भी जवाबदेही होगी कि आपने ये कार्य क्यों नहीं किया अगर आपको बताया गया है और आपसे कहा गया है कि आपको ये सारे कार्य करने हैं और कुछ समय बाद इनका मूल्यांकन होगा तो ये एक, एक एम्प्लॉय की अकाउंटेबिलिटी बन जाएगी और इस वजह से वो अपने कार्य को और बेहतर तरीके से करेंगे तो जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और उसको अकाउंटेबिलिटी देते हैं जब आप दे देते हैं तो उसको कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारी आती है कि मुझे इस बारे में बताना पड़ेगा किसी को कहना पड़ेगा कि ये कार्य मेरे से क्यों नहीं हो पाया तो आप भी अपने कार्य को बेहतर तरीके से और निष्ठा के साथ मून करेंगे प्रभागी और कंपनी के लक्ष्यों के बारे में बताएंगे ये जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है ये बेटर कम्युनिकेट करता है आपके डिविजनल और कंपनी गोल को क्योंकि आप इसके द्वारा कर्मचारियों को पहले तो ये बताते हैं कि आपकी उनसे उपेक्षाएँ है, क्या है आपकी जो संगठन है उसके क्या उद्देश्य है वो क्या गोल अचीव करना चाहती है तो इसके द्वारा बेहतर तरीके से उन्हें अपने डिविजनल अपने डिपार्टमेंटल्स अपने कंपनी के जो गोल हैं वो आप उनको बता पाते हैं और उनकी जानकारी में ये होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो उसी लाइन ऑफ एक्शन पर आगे कार्य को कर सकें तो किसी भी संगठन में परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो महत्व है वो इन्हीं कारणोंवश है क्योंकि ये हर एक व्यक्ति पर पर्सनल अटेंशन पे करता है उसको फीडबैक प्रोवाइड करता है उसके आगे करियर प्लानिंग में करियर पाथ में उसकी मदद करता है आपके जो कर्मचारी हैं उन्हें और ज़्यादा जिम्मेदार और जवाबदेही बनाता है और उनको कम्युनिकेट करता है आपके डिविजनल और कंपनी गोल्स को इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की परफॉर्मेंस अप्रेजल जो प्रक्रिया है उसको हम अपने संगठनों में इसलिए पूरा करते हैं या इसीलिए लागू करते हैं उसके पीछे के उद्देश्य क्या हैं जैसे है कि हमने महत्व और उनकी ज़रूरतों के बारे में पढ़ा था अब हम बात करेंगे कि इसको किस उद्देश्य के तहत तैयार किया जाता है क्या क्या कार्य करने में ही हमें मदद करेगा सबसे पहले हमने कहा सैलरी इंक्रीज़ जैसा कि हमने कहा था ना केवल ये कर्मचारी के काम के मूल्यांकन को करता है बट संगठन में और भी बहुत सारे जो डिसीजनस हैं उनको लेने में ये मदद करता है अगर हमें किसी कर्मचारी की सैलरी बढ़ानी है या उसका वेतन में वृद्धि करनी है तो क्या हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसका सीधा सीधा जवाब हमें मिलता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के द्वारा अगर वो कर्मचारी अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर रहा है अपने दिए हुए टारगेट्स को पूरा कर पा रहा है और उसकी जो रिज़ल्ट है उसका जो उसका जो फीडबैक है वो पॉजिटिव आता है तो डेफ़िनेटली उसकी सैलरी में उसके वेतन में वृद्धि करनी चाहिए और अगर उसका फीडबैक जो है वो नेगेटिव है और अपने कार्य को वो पूरी निष्ठा के साथ नहीं कर रहा है उसका मूल्यांकन जो किया गया है उसमें उसका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है तो उसकी सैलरी में कई बार वृद्धि नहीं की जाती और बल्कि शायद कम भी की जा सकती है तो ये डिसीजंस जो हैं वो लेने में मदद करता है परफॉर्मेंस अप्रेज़ल कि कैसे हमें सैलरी में वृद्धि करनी है या नहीं करनी है दूसरा ये प्रमोशन में अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी कर्मचारी को किसी हायर पोजीशन पे प्रमोट करना है तो उसका अप्रेजल होना बहुत ज़रूरी है ये ये डिसीजन लेने में कि इसको इस इस पर्टिकुलर पोजीशन से आगे अपग्रेड किया जाए या नहीं जाए किया जाए तो पॉजिटिव अगर होगा इसका परफॉर्मेंस अप्रेजल उसके रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव होंगे तो डेफ़िनेटली वो प्रमोशन लेने में डिसीजन लेने में मदद मिलेगी और इसी के अतिरिक्त अगर उसका आ, अच्छा नहीं है प्रदर्शन उसका मूल्यांकन सही नहीं है तो कई बार डिमोशन जैसी चीज़ें भी कर्मचारियों को सामना करना पड़ता है तीसरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के उद्देश्य से परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है क्योंकि इससे हमारे कर्मचारियों के जो कार्य हैं उनके कार्य करने के तरीके का पता चलता है कितनी क्वालिटी के साथ कितने पोटेंशियल के साथ उस कार्य को कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें इसकी भी जानकारी मिलती है कि इस कार्य को ये अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसके पीछे क्या कारण है क्या वो रिक्वायर्ड स्किल्स और नॉलेज उनके पास नहीं है जो इस कार्य को और बेहतर करने के लिए उनको चाहिए थी और उनको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं उनकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नीड्स को पूरा करके तो ये उसके लिए भी कार्य करता है फीडबैक देने में बहुत ज़रूरी है कि हमारे कर्मचारियों को हम समय समय पर फीडबैक प्रोवाइड करें उनको बताते रहें कि वो किस प्रकार से अपना कार्य कर रहा है वन फाइन डे आप उसको जाके चीज़ें बता दें और कहें कि नहीं आप इस संगठन के लिए ठीक नहीं है और कार्य अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं उससे बेहतर है कि हम उन्हें समय समय पर फीडबैक देते रहें उनके कार्य का ताकि वो अपने आप को बेहतर बना सकें और इस संगठन के कामों के हिसाब से उनकी जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं उनको वो गेन कर सकें तो फीडबैक से उनकी लर्निंग में भी इम्प्रूवमेंट आता है उनकी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट आता है आखिरकार हम कह रहे हैं ये परफॉर्मेंस अप्रेजल कहीं ना कहीं कर्मचारियों पे दबाव बनाने के लिए भी काम करता है क्योंकि अगर उनका प्रेजल नहीं होगा उनको मालूम है कि कोई देखने वाला ही नहीं है वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो शायद वो उस प्रकार या उस तरीके से निष्ठा के साथ कार्य को ना करें लेकिन जब उनको मालूम है कि एक दिन आके उनका परफॉर्मेंस होगा इस समय के बाद उनका चेक किया जाएगा कितने कार्य उन्होंने किए कितने कार्य उन्होंने नहीं किए संगठन को आगे ले जाने में उनका काम क्या योगदान रहा तो वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से करेंगे तो बहुत ज़रूरी है कि उनके ऊपर ये प्रेशर हो उनको मालूम हो कि कोई आएगा और देखेगा कि कार्य किस प्रकार से हो रहा है तो ये प्रेशर्स भी क्रिएट करता है एम्प्लॉइज़ पर इसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स की प्रदर्शन मूल्यांकन के कुछ तरीके हैं कैसे ये किया जाता है क्यों किया जाता है इसकी ज़रूरत क्या है इसके महत्व क्या है इसके पीछे के होने वाले उद्देश्यों के बारे में अभी तक हमने बात करी थी अब हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से ये किया जाता है तो ये जो चार्ट आपके सामने है इसमें हमने दो तरीके से इसको दो भाग में बांटा हुआ है एक हमारे पारंपरिक तरीके हैं जिनको हम ट्रेडिशनल मेथड्स बोलते हैं जो हम अमूमन तौर पे अपने संगठन में इस्तेमाल किया करते थे लेकिन अब हमारे पास जो आधुनिक तरीके हैं जो मॉडर्न मैनेजमेंट मेथड्स की हम बात करेंगे उनको भी हम पढ़ेंगे और पुराने जो हमारे कुछ तरीके थे पारंपरिक तरीके थे जिनके द्वारा हम कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते थे उनके बारे में भी हम यहाँ जानकारी हासिल करेंगे आगे तो ये कुछ हमारे ट्रेडिशनल मैथड्स हैं जिसमें हमने नाम दिया है रैंकिंग मैथड का पेयर्ड कंपेरिजन है एक ग्रेडिंग मैथड है फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैथड है फोर्थ चॉइस मैथड चेकलिस्ट मैथड क्रिटिकल इंसिडेंट मैथड ग्राफिक्स स्केल मैथड एस ए मैथड एंड फील्ड रिव्यू मैथड इसके अलावा जब हम मॉडर्न मैथड्स की बात करते हैं तो हमारे पास एम आता है जिसको कि हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कहते हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल है असेसमेंट सेंटर्स हैं थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रेजल है कॉस्ट अकाउंटिंग मैथड है हमारे पास तो चलिए बात करते हैं इन सारे तरीकों के बारे में एक एक करके और उनको आगे समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन तरीकों के द्वारा जो कर्मचारी हैं उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता था तो सबसे पहले हम बात करेंगे पारंपरिक तरीकों की जिसमें हमारा पहला मेथड है रैंकिंग मेथड। रैंकिंग मेथड को रैंकिंग पद्धति भी कहते हैं ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही पुराना तरीका है जिसके द्वारा हम अपने कर्मचारियों की परफॉर्मेंस को रैंकिंग देते थे मान लीजिए अगर हमारे संगठन में दस कर्मचारी कार्य कर रहे हैं तो हम उनको रैंक देंगे कि सबसे बेहतर जो कर्मचारी कार्य कर रहा है उसको हमने रैंक वन दे दिया उसमें से जो दूसरा लगता है आपको दूसरे नंबर पे आना चाहिए उसको रैंक टू दे दिया और ऐसे करके आपने दस लोगों को रैंकिंग दे दी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तक तो इसमें क्या है कि आपने रैंकिंग के द्वारा ये बताया कि आपके कर्मचारियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन कार्य कर रहा है सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस किसकी है दूसरे नंबर पे किसकी है तीसरे नंबर पे किसकी है चौथे नंबर पे किसकी है और इसी प्रकार आपने दसवें नंबर तक उसकी रैंकिंग कर दी लेकिन जो कि मैंने बताया कि ये पुराना और आसान तरीका है बट ये जो मैथड है वो सूटेबल है छोटी संस्थानों के लिए जहाँ पर कर्मचारियों की संख्या कम है अब बहुत बड़े कर्मचारी अगर कार्य कर रहे हैं किसी बड़ी संस्थान में तो बहुत मुश्किल होगा कि सारे सारे ही कर्मचारियों की रैंकिंग करना और वन से लेके लास्ट तक आप जाएंगे तो आपको समय भी बहुत लगेगा और आप उसका बहुत सही तरीके से मूल्यांकन भी नहीं कर पाएंगे इसीलिए ये जो तरीका है वो छोटे संगठनों में बेहतर रहता है ये मेथड इसलिए अच्छा है क्योंकि ये फ्लैक्सीबल कम्पेरेटिवली इजी तरीका है और इसमें कॉस्ट भी कम आती है जिसमें आपने सारे ही कर्मचारियों का आपस में कंपैरिजन किया और इस कंपैरिजन के बेसिस पे आपने उनको एक एक करके रैंक प्रोवाइड कर दी लेकिन इस सर इस इस मेथड का एक लिमिटेशन भी है इस आ, जो तरीका है इसका एक लिमिटेशन भी है लिमिटेशन ये है कि जिसमें आपने एक से लेके दस तक उनकी जो रैंकिंग करी है उसमें आप ये नहीं बता सकते कि रैंक वन वाला जो कर्मचारी है उसमें और रैंक दस नंबर वाला जो कर्मचारी है उसके काम में किस प्रकार से आपने अंतर किया है किस बेसिस पे आपने उनको ये रैंकिंग दी है उसके बारे में जानकारी देना थोड़ा सा मुश्किल होता है इसके अलावा जो दूसरा तरीका है उसको हम नाम देते हैं जोड़ियों में तुलना पेयर्ड कंपेरिजन ये रैंकिंग मैथड का थोड़ा सा आ, बेटर वर्जन है इसमें हम क्या कर रहे हैं ये भी हमारा पुराना तरीका है पारंपरिक तरीका है जिसके द्वारा हम कर्मचारी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं इसमें हम दो लोगों में आपस में तुलना करते हैं जैसे हमारे यहाँ पर अगर आ, दस लोग काम कर रहे हैं तो हम पांच पेयर बना देंगे ए को बी से कंपेयर करेंगे फिर बी को सी से कंपेयर करेंगे फिर सी को डी से कंपेयर करेंगे तो ऐसे करके हम हर एक इंडिविजुअल को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं और उस कंपैरिजन में हम निकालते हैं कि उनमें से कौन बेहतर है सारों को हम एक साथ कंपेयर कर रहे थे वो रैंकिंग मेथड था पेयड कंपैरिजन में हम दो दो का पेयर बना देते हैं सेट बना देते हैं और उनकी आपस में हम कंपैरिजन करते हैं तो इसमें हमें समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू दी रैंकिंग मैथड क्योंकि इसमें कहा गया है अगर आप किसी संगठन में जहाँ पचास व्यक्ति हैं जिनके ऊपर ये आप मैथड लागू कर रहे हैं जिसको कि आपने पेयड कंपेरिजन का नाम दिया है तो कहीं ना कहीं आपको एक हज़ार दो सौ पच्चीस बार इनकी तुलनाएँ करनी पड़ेंगी क्योंकि हर एक पर्सन को आप एक दूसरे पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं और उस कंपेरिजन के बाद आप एक से एक करके एम्प्लॉय को आगे बढ़ाते चल रहे हैं कि इनमें से सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका था तो ये जो मैथड है ये आपका Uh, कहलाता है पेयर कंपैरिजन इसमें आप एक स्लिप बना देते हैं हर एक स्लिप में एक कर्मचारी का नाम होता है और रेटर जो करता है वो टिक मार्क करता चलता है कि इन दोनों में से किसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर थी इसके बाद हमारा आता है ग्रेडिंग मैथड ग्रेडिंग मैथड में हम क्या करते हैं एम्प्लॉइज को अलग अलग कैटेगरीज में ग्रेड करते हैं कुछ श्रेणियों को पहले से ही हम परिभाषित कर लेते हैं हम क्या करते हैं कि ग्रेडिंग बना लेते हैं जैसे हमने कहा की जो कर्मचारी हैं उसकी हमने ग्रेडिंग करी उत्कृष्ट अच्छा औ, औ, औसत खराब बहुत खराब हमने अलग अलग तरीके से उसकी कैटेगरीज बना दी जैसे हमने कहा कि आउटस्टैंडिंग बहुत ही बढ़िया उसकी परफॉर्मेंस है फिर हमने कहा गुड है एवरेज है पुअर है वेरी पुअर है तो ऐसे करके हमने उसकी कैटेगरीज बना दी और कैटेगरीज़ बनाने के बाद हम हर एक एम्प्लॉय को अलग अलग कैटेगरीज में अब हम डिफाइन करते हैं कि इनमें जो ये एक कर्मचारी है इसकी परफॉर्मेंस कैसी थी आउटस्टैंडिंग थी तो उसको आउटस्टैंडिंग वाली कैटेगरी में रख दिया जिसकी हमें गुड लगती है उसको गुड वाली कैटेगरी में लग दिया जिसकी हमें पुअर परफॉर्मेंस लगती है जिसकी बहुत ही पुअर लगती है उसको बहुत ही पुअर वाली कैटेगरी में रख दिया तो हमने यहाँ पर कुछ श्रेणियों को पहले से ही परिभाषित कर लिया जाता है और कर्मचारियों को उनके गुणों के और विशेषताओं के आधार पर श्रेणियों में रख दिया जाता है वन ऑफ दिमिटेशन ऑफ दिस मैथडी रेटर में रेट मैनी इम्प्लॉज ऑन दी बेटर साइड ऑफ देयर परफॉर्मेंस इसका जो एक लिमिटेशन है जो डिसवान्टेज है इस मैथड का वो ये है कि कई बारी जो रेटर होता है जो आपका इवेल्युएटर होता है वो आपको आपकी परफॉर्मेंस से बेहतर आंख लेता है मान लीजिए अगर आपकी परफॉर्मेंस गुड है तो आपको आउटस्टैंडिंग वाली कैटेगरी में रख दिया अगर आपकी बहुत पुअर है तो आपको पुअर वाली कैटेगरी में रख दिया तो एग्जैक्टली exactly आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से वो कैटेगरी ना डिफाइन करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसमें ये हो जाता था इसका ये लिमिटेशन है इसके बाद हमारा जो मेथड आता है उसको हम नाम देते हैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैथड फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मैथड जो होता है उसमें आप जनरली क्या करते हैं इस पद्धति में भूलभूत धारण यह है कि कर्मचारियों का प्रदर्शन स्तर समान सांखनीय वितरण के अनुरूप किया जाता है आपने क्या किया एक 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 अजम्पन बेसिस पे आप कैटेगराइज कर देते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉज को ताकि ये एक एक तरीके से फोर्थ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना दें जो हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसमें आप हर हर एक कैटेगरी में कैंडिडेट्स को रख लेते हैं बहुत ही हिसाब से जैसे आपने कहा कि आपके जो 100 परसेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से 10 परसेंट आपने कहा कि बहुत अच्छे हैं एक्सीलेंट उनको रेटिंग दे दी 40 प्रतिशत को आपने कहा कि वो अबव एवरेज कार्य कर रहे हैं 20 प्रतिशत को आपने कहा एवरेज 10 प्रतिशत को आपने एवरेज कहा और 20 प्रतिशत को आपने पुअर कैटेगरी में डाल दिया तो आपका जो एक डिस्ट्रीब्यूशन आता है इस तरीके से आप एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लेते हैं जहाँ पर आपने अपने एम्प्लॉयज़ को अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया लेकिन इस इस जो मैथड है उसकी लिमिटेशन ये है कि बाद में आप ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि आपने किसी इम्प्लॉय को किस कैटेगरी में किस बेसिस पे डाला है आप बस एक जनरल डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करने के लिए अपने एम्प्लॉयज़ में कि एक्सेलेंट हैं कि अबव एवरेज हैं कि पुअर हैं उस कैटेगरी में आप इनको डिफाइन कर देते हैं ये कई कर्मचारियों को उच्च स्तर पर रेटिंग देने के पश्चपात को समाप्त या कम करता है कर्मचारियों का मूल्यांकन करने को करने का सरल और आसान तरीका है यह इजी वे है जिसके थ्रू आप कर सकते हैं यह तब मुश्किल हो जाता है जब मूल्यांकनकर्ता को यह समझाना पड़ता है कि, कि किस कर्मचारी को दूसरे की तुलना में किसी विशेष समूह में क्यों रखा गया है अगर कोई कर्मचारी आके पूछे कि मुझे यहाँ पर आपने एक्सीलेंट कैटेगरी में क्यों नहीं रखा आपने मुझे पुअर कैटेगरी में या अबव एवरेज कैटेगरी में क्यों रखा तो इवेल्युएटर के लिए ये बड़ा मुश्किल होगा बता पाना या उसको डिफाइन कर पाना कि आपने किस बेसिस पे अंतर करके उनको इस कैटेगरी में रखा गया है लेकिन कहीं ना कहीं इसमें आप केवल एक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म में आप उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि आपका जो एक डिस्ट्रीब्यूशन करवाए वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करवाए इसके अलावा जो हमारा तरीका है उसको हम नाम देते हैं फोर्स चॉइस मैथड फोर्स चॉइस मेथड जो होता है उसमें हम क्या करते हैं पद्धति के में सिस्टमेटिक फॉर्म के प्रश्नों का एक कर्म होता है इसमें क्या किया जाता है कि आपसे दो तरीके के सवाल पूछे जाते हैं हर एक हर एक इंडिविजुअल से रिलेटेड एक चेकलिस्ट तैयार की जाती है और उसमें आपके पास टू सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करें दी एम्प्लॉय इज़ हार्ड वर्किंग और सेकेंड है दी इम्प्लॉय गिव्स क्लियर इंस्ट्रक्शन टू हिज सबॉर्डिनेट दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं वो एक तरीके से पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं लेकिन जो इवेलुएटर है उन्हें उसे इसमें से कोई एक पर टिक करना होता है वो दोनों पर टिक नहीं कर सकता तो ऐसे ही दो दो के सेट में उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन दोनों में से जो बेहतर आपको लगता है जो परफॉर्मेंस जो एम्प्लॉई है उसकी उसके हिसाब से आप उन क्वेश्चंस को टिक करते चलते हैं और आखिर में जाके आप उनका एक समूह निकालते हैं आप समराइज़ फॉर्म में ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कौन इनमें से किसका प्रदर्शन आपको बेहतर लगा हालांकि दोनों ही ये कर्मचारी की विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं ये दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं लेकिन मूल्यांकनकर्ता को केवल उस पर टिक करने के लिए मजबूर किया जाता है जो कर्मचारी के बारे में अधिक वर्णात्मक प्रतीत होता है आपको लगता है ना जो बेहतर उसको बेहतर डिफाइन कर पाएगा उस पर ही केवल आप टिक कर सकते हैं दोनों स्टेटमेंट्स पे आप टिक नहीं करते इस जो मेथड की एक प्रॉब्लम ये आती है कि इस तरीके के स्टेटमेंट्स को डिफाइन करना बड़ा डिफिकल्ट होता है कि आप कैसे सेट ऑफ क्वेश्चन रखेंगे जिसके बेसिस पे आप एम्प्लॉय की मूल्यांकन को कर सकें इसके आगे जो मैथड है उसको हम नाम दे रहे हैं चेकलिस्ट मैथड का चेकलिस्ट मैथड भी एक मूल्यांकन की पद्धति है और मूल्यांककर्ता को मूल्यांकन रिपोर्ट प्रदान की जाती है इसमें आप क्या करते हैं आपको एक रिपोर्ट दे दी जाती है जिसको हम चेकलिस्ट बोलते हैं अगेन इस चेकलिस्ट में बहुत सारे प्रश्न होते हैं उन प्रश्न को आपको Uh, हाँ या ना के रूप में जवाब देना होता है कुछ उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे हम बात कर रहे हैं इज़ ही और शी रिस्पेक्टेड बाय हिज और हर सबॉर्डिनेट तो अगर आपको लगता है कि वो अपने सबॉर्डिनेटर के द्वारा रिस्पेक्ट किया जाता है तो आपको बस जवाब देना है हाँ या ना दूसरा इज़ ही और शी रेडी टू हेल्प अदर इम्प्लॉयज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन तो भी आपको हाँ या ना पे जवाब देना है डज हर बिहेवियर रिमेन सेम फॉर एवरी वन इन दी ऑर्गेनाइजेशन हाँ या ना में आप जवाब देते हैं इस तरीके से आपसे बहुत सारे सेट ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चन को आप टिक करते जाते हैं जो आपको लगता है उस कर्मचारी से रिलेटेड सही सवाल है और उसका जवाब आपको समझ में आता है इसके द्वारा फिर आप सारे चेकलिस्ट में जो आपको रिजल्ट्स मिले हैं जो भी आपको यस yes और नो no के बेसिस पे आपने आंसर करे हैं जिसको ज़्यादा रैंकिंग मिलती है जिसको ज़्यादा यस yes मिलते हैं उसके हिसाब से आप उसकी परफॉर्मेंस को स्टडी करते हैं तो इवेल्यूटर जो होता है उसको बहुत ध्यान से इसके आंसर्स को टिक करना चाहिए क्योंकि ये जो मेथड है वो कहीं ना कहीं इवेल्युएटर के ऊपर पूरा बेस्ड हो गया इवेलुएटर के ऊपर डिपेंड होगा कि वो आपको कितनी तरीके से हाँ या और नाम में जवाब दे रहा है इसके अलावा जो दूसरा मेथड है जो आगे मेथड है उसको हम नाम दे रहे हैं गंभीर घटना विधि क्रिटिकल इंसिडेंट मैथड क्रिटिकल इंसिडेंट मैथड जो है इसमें हम क्या कर रहे हैं केवल क्रिटिकल इंसिडेंट्स को जो अलग हटके के घटनाएं हुई हैं या जो आपको लगता है कि जो सामान्य रूप से जो कार्य हो रहा है उससे अलग हटके अगर किसी ने कोई कार्य किया है उसको आप यहाँ पे नोट करते हैं तो यह विधि उन कर्मचारी कर्मचारियों का पता लगाने के लिए बहुत उपयोगी है जिनके पास गंभीर स्थिति में काम करने की सबसे अधिक क्षमताएं हैं तो उन लोगों के लिए ये या उस तरीके के लोगों की जानकारी करने में ये जो तरीका है वो बहुत ही लाभदायक हो सकता है जो आपको लगता है कि हाइएस्ट पोटेंशियल रखता हो क्रिटिकल सिचुएशन में ठीक है ऐसा कौन सा कर्मचारी है कि अगर उसको क्रिटिकल सिचुएशन में कोई कार्य दिया जाए तो उसको किस प्रकार से वो पूर्ण करेगा इस पद्धति में केवल आकस्मिक परेशानियों के मामले और इन घटनाओं या परेशानियों से जुड़े व्यवहार को ही मूल्यांकन के लिए लिया जाता है सामान्य रूप में किए गए कार्य के बारे में यहाँ पर बात नहीं हो रही है जो अलग हट के कुछ विशेष या आकस्मिक परेशानियाँ जो होती हैं सडन जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें किस तरीके से डिसीजन मेकिंग ली गई उस ड्यूरेशन में उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी केवल उसी के बारे में इसका मूल्यांकन किया जाता है ऐसे तरीके को हम नाम दे रहे हैं क्रिटिकल इंसिडेंट मैथड इसके बाद आपका आता है ग्राफिक स्केल मैथड ग्राफिक स्केल मैथड जो है वो बहुत हद तक हम यूज़ करते हैं रेगुलर बेसिस पे ग्राफिक रेटिंग जिसको हम बोलते हैं इसमें आपकी रेटिंग कर दी जाती है स्केलिंग की जाती है आपके आपके व्यवहार की आपके प्रोडक्शन की इसे रेखे रेखिक रेटिंग स्केल के रूप में भी जाना जाता है ग्राफिक रेटिंग स्केल में प्रत्येक कर्मचारी का मूल्यांकन करने के लिए मुद्रित मूल्यांकन फॉर्म का उपयोग किया जाता है उनको आप क्या करते हैं रेटिंग कर देते हैं वन टू फाइव से वन टू थ्री फोर फाइव तो आपने क्या कहा जैसे एक नंबर पे जो होगा वो बहुत अच्छा है दूसरे नंबर पे है वो ठीक है तीसरे नंबर पे है जो एवरेज है पुअर एंड वेरी पुअर तो इस तरीके से आप क्या करते हैं उसके कार्य की रेटिंग करते हैं बेस्ड ऑन दी अमाउंट ऑफ वर्क दे एंड दे आर डूइंग उनकी जॉब की नो हाउ कैसी है डिपेंडेबिलिटी कैसी है कितने इनिशिएटिव उन्होंने लिए उनका एटीट्यूड कैसा है उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है इमोशनल स्टेबिलिटी उनकी कितनी है तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे आप उनको अलग अलग तरीके से रेटिंग करते हैं और उस रेटिंग के हिसाब से फिर आप उनका मूल्यांकन करते हैं किसी कर्मचारी के विभिन्न कार्य व्यवहारों को मापने के लिए ग्राफिक स्केल विधि अच्छी है लेकिन नौकरी में कर्मचारियों के व्यवहार की रेटिंग करते समय यह मूल्यांकनकर्ता के पूर्व ग्रह की सीमाओं से जुड़ा हुआ है कि आप किस तरीके से उनके बिहेवियर की रेटिंग कर रहे हैं वो इसमें आपको देखना पड़ेगा अदरवाइज दिस इज अ मेथड विच इज़ गुड फॉर डूइंग रेटिंग ऑफ द एम्प्लॉयज इन दी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कि हम ग्राफिंग रेटिंग स्केल कहते हैं इसके बाद आता है हमारा एस ए मैथड जिसको हम हिंदी में निबंध विधि भी कहते हैं मूल्यांकनकर्ता किसी कर्मचारी की विशेषताओं और व्यवहार पर विस्तृत वितवरण लिखता है संगठनात्मक नीतियां प्रक्रियाओं और नियमों के बारे में ज्ञान नौकरी के बारे में ज्ञान इस तरीके से एक ऐसे का मतलब किया उसके बारे में एक पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखना किसी भी कर्मचारी के कार्य के बारे में उसकी कार्य की जानकारी के बारे में किस प्रकार से वो कार्य को कर रहा है उसके बारे में एक डिटेल्ड फॉर्म में लिखता जाता है जिसको कि हम ऐसे मैथड बोलते हैं कर्मचारी के प्रशिक्षण और विकास की आवश्यकताएं, ताकत उनकी कमजोरियां, उनका पिछला प्रदर्शन कैसा था उनकी क्षमता और सुधार के लिए सुझाव ऐसा कहा जाता है ये उत्साहजनक और उपयोग में आसान तरीका है इसे पूरा करने के लिए कठिन प्ररूपों और विशिष्ट प्रशिक्षणों की आवश्यकता नहीं होती तो इस मेथड को हम नाम देते हैं ऐसे मेथड इसके अलावा हमारा फील्ड रिव्यू मेथड है ये सारे ही हमारे पारंपरिक तरीकों के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी फील्ड समीक्षा मेथड जो है वो हमारा मूल्यांकन की इस पद्धति में प्रत्येक वरिष्ठ किसी कर्मचारी का मूल्यांकन नहीं करेगा बल्कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा आमतौर पर क्रमिक विभाग तो ये मैथड उन सारे मैथड से जो अभी तक हमने पढ़े हैं उनसे थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पर आपका मूल्यांकन आपके साथ रह रहे लोग या आपसे जो आपके सुपीरियर हैं उनके द्वारा नहीं किया जाता इसको आप किसी और के द्वारा करते हैं आप किसी और इंडिविजुअल को किसी और डिपार्टमेंट से बुलाते हैं और वो आपके परफॉर्मेंस की रेटिंग को करता है पर्सनल डिपार्टमेंट से जनरली वो पर्सन आता है जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लोग हैं वो आके चेक करते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से है ऐसे मामले में मूल्यांकनकर्ता कर्मचारी का मूल्यांकन उसकी उत्पादकता के पिछले रिकॉर्ड और अन्य जानकारी जैसे अनुपस्थिति देर से आना आदि के आधार पर करता है तो ये जो आपकी मूल्यांकन करते हैं वो किस बेसिस पे करते हैं उनका आपका कार्य किस प्रकार से है आपके पास रिकॉर्ड कैसा था आपने किस प्रकार से कार्य किया है आपका एबसेंटिजम रेट कैसा है ठीक है उसके बेसिस पे आपकी जानकारियों के बेसिस पे आपके जो इवेल्यूएशन है उसको ये करते हैं लेकिन इस इस तरीके में कुछ समस्याएं भी हैं समस्याएँ ये हैं कि आपको जब कहीं बाहर से कोई व्यक्ति आके आपका मूल्यांकन कर रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बारे में नहीं पता आपके कार्य करने के तरीके के बारे में नहीं पता आपके कार्य किस प्रकार से होते हैं किस रिसोर्स की इसकी आपको ज़रूरत पड़ती है किस एनवायरमेंट में आप कार्य कर रहे हैं उनको इन सब की जानकारी नहीं होती तो कहीं ना कहीं उनका जो डिसीजन है या जो उनका रेटिंग का जो तरीका होगा उसमें अंतर आएगा अब हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड्स की जिसको हम आधुनिक तरीके भी कहते हैं चलिए अब हम बात करते हैं आगे मॉडर्न मेथड्स की जिनको भी हम आधुनिक तरीक़ों के नाम से जानते हैं अभी तक जितने भी तरीके हमने पढ़े वो सारे हमारे पारंपरिक तरीके थे जिनके द्वारा हम संगठन में कर्मचारियों का मूल्यांकन करते थे उनकी प्रदर्शन का मूल्यांकन करते थे अब हम बात करेंगे मॉडर्न मैथड्स की जिसमें सबसे पहले हमारा आता है एम बी ओ जिसको हम नाम देते हैं मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव ये एक बहुत ही आ, फेमस और प्रचलित मेथड है जिसके द्वारा हम कर्मचारियों के कार्य का मूल्यांकन करते हैं ये बहुत अच्छा तरीका इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें हम पहले से ही निर्धारित कर देते हैं कि हमारी जो उपेक्षाएँ हैं वो कर्मचारियों से क्या हैं मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपने पहले अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लिए अपने उद्देश्यों को आपने डिफाइन कर लिया और उसके बाद आप उनके हिसाब से चीज़ों को मैनेज करते हैं आप देखते हैं अपने टारगेट्स आपने सेट कर दिया आपने एक स्टैंडर्ड्स बना दिए कि आपको अपने कर्मचारियों से ये उपेक्षाएँ हैं और आप चाहते हैं कि वो इस तक पूरा करें उसके द्वारा फिर आप बाद में चेक करते हैं रेगुलर बेसिस पे कि उस कार्य को वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं सो so, उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन की अवधारणा जो है वो 1954 में पीटर ड्रकर ने दी थी पीटर ड्रकर जो है उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया था 1954 में एमबीओ की मूल प्रवृत्ति सहभागी है अपने लक्ष्य निर्धारित करना लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यों का एक तरीका चुनना और फिर निर्णय लेना तो इसका जो बेसिक नेचर है उसमें आप क्या करते हैं सेट करते हैं अपने गोल्स को एक कोर्स ऑफ एक्शन को आप प्लान करते हैं कि किस द्वारा के ज़रिए आप इस ऑब्जेक्टिव को अटेन करेंगे ताकि आप उन पर डिसीजन मेकिंग ले सकें एम बी ओ इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये मेजर करने में मदद करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द इम्प्लॉज़ विद दी स्टैंडर्ड सेट तो आपके पास मूल्यांकन करने के लिए एक स्टैंडर्ड होता है एक आधार होता है जिसके बेसिस पे आप कर्मचारियों की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है जिस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं और कितना उनको करना चाहिए था उसमें आप गैप को फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसी तकनीक को नाम हमने दिया है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव इसके बाद हमारा आता है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल जिसको हम व्यवहारिक रूप से आधारित रेटिंग स्केल भी कहते हैं यह विधि पारंपरिक रेटिंग पैमानों और महत्वपूर्ण घटनाओं के तरीकों का एक संयोजन है इसमें नौकरी के प्रदर्शन के पूर्व निर्धारित महत्वपूर्ण क्षेत्र या व्यवहार संबंधी बयानों को सेट के सेट शामिल हैं जो महत्वपूर्ण नौकरियाँ प्रदर्शन गुणों को अच्छे या बुरे के रूप में वर्णित करता है इसमें आपके जो बिहेवियर्स हैं उनको सेट किया जाता है जिसमें आपकी गुड क्वालिटीज़ और बैड क्वालिटीज़ को एक तरीके से रेट किया जाएगा एंकरी रेट एंकर रेटिंग स्केल है ये भी एक तरीका है रेटिंग तरीका है जिसमें आप इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस की बिहेवियर की रेटिंग करते हैं बेस्ड ऑन देयर गुड एंड बैड परफॉर्मेंसेज ये इट रिड्यूसेज रेटिंग एरर इस तरीके से हम क्या करते हैं पहले के जो तरीके हम इस्तेमाल करते थे रेटिंग में उसमें कहीं ना कहीं गलतियों के चांसेस ज़्यादा होते थे बट बिहेवियरल रे, एंकर्ड रेटिंग स्केल में हमारे एरर होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं आगे हम बात करते हैं इसी मैथड की बिहेवियर इज़ असेस्ट ओवर ट्रेड जो बिहेवियर है इंडिविजुअल का वो उसके ट्रेड्स पर उसके लक्षणों के ऊपर किया जाता है कि उसका जो एटीट्यूड है उसका जो परफॉर्मेंस है उसकी जो पर्सनालिटी है उसका नेचर जो है काम करने का तरीका कैसा है इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है इन सारी चीज़ों पे उसका मूल्यांकन किया जा रहा है ये कर्मचारी और मूल्यांकनकर्ता को व्यवहार के बारे में एक विचार देता है और कौन सा व्यवहार अच्छा प्रदर्शन लगता है और कौन सा ख़राब प्रदर्शन लगता है तो इस इस मेथड के थ्रू बेसिकली आप क्या करते हैं एम्प्लॉयी को उसके बिहेवियर पे ओवरऑल बिहेवियर जो रहा उसका वर्क परफॉर्मेंस में उसके बारे में आप उसको बताते हैं और उसको फीडबैक देते हैं कि आपका कौन सा बिहेवियर कार्य करने का कौन सा तरीका उचित माना गया और कौन सा तरीका आपका अच्छा नहीं था जिसमें कि आपको सुधार लाने की जरूरत है तो इस तरीके से जो तरीका है उसको हम नाम दे रहे हैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल का इसके बाद हमारे आते हैं मूल्यांकन केंद्र जिसको हम असेसमेंट सेंटर कहते हैं इसको 1930 में जर्मन सेना में लागू किया गया था सबसे पहले ये वहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ था 1930 में द सिस्टम ऑफ असेसमेंट वे इंडिविजुअल इंडिविजुअल असेस्ड बाय मेनी एक्सपर्ट बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक असेसमेंट सेंटर में आप कर्मचारी को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तकनीकों के द्वारा उनका असेसमेंट करते हैं कुछ इसमें असेसमेंट के जो तरीके हैं उसमें आप इम्प्लॉयी को रोल प्लेइंग के द्वारा असेस कर सकते हैं उनको डिफरेंट रोल्स दे सकते हैं आप करने के लिए जिन पे वो अपना प्रदर्शन करते हैं और किस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया वो अलग अलग जज या एक्सपर्ट उनको स्टडी करते हैं एनालाइज़ करते हैं केस स्टडीज़ दी जाती हैं उनको जिनको कि वो पढ़ के समझ के अपना विचार व्यक्त करते हैं कि वो किस प्रकार से इस कार्य को या इस इस प्रॉब्लम में अपना डिसीजन मेकिंग करेंगे सिमुलेशन एक्सरसाइजेज़ दी जाती हैं उनको कि उनको एक एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट करने के लिए मौका दिया जाता है कि वो अपने कार्य को किस प्रकार से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं अगर वो रियल एनवायरनमेंट में होंगे तो कैसा होगा ट्रांजेक्शन एनालिसिस के द्वारा उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है जैसे कि हमने बात करी थी जब हमने एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के मैथड्स डिस्कस किए थे उसमें मैंने आपको बताया था ट्रांजेक्शन एनालिसिस इसमें आपके तीन तरीके की स्टेजेस होती हैं पेरेंट ईगो अडल्ट ईगो एंड चाइल्ड ईगो तो जो भी कर्मचारी है उसमें अलग अलग तरीके से ये स्टेजेस होती हैं किसका कितना परसेंटेज है किस बिहेवियर को वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं उसको हम यहाँ पर असेसमेंट सेंटर्स के द्वारा स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो असेसमेंट सेंटर हमारा ऐसा तरीका है जिसमें हम कई सारे एक्सपर्ट्स को आ, के द्वारा किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं बाई यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स असेसमेंट सेंटर का फायदा यह है कि ऑब्जर्वर को मदद करता है करेक्ट डिसीजन लेने में जहाँ पर एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज़ होती हैं उनको प्रमोशन देने के चांसेस लगते हैं हमें लगता है कि किसी इम्प्लॉयी को प्रमोशन देना है तो उस एम्प्लॉय को प्रमोशन देना चाहिए नहीं देना चाहिए उसके लिए आप बहुत अच्छे तरीके से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं बेहतर तरीके से उसका असेस कर सकते हैं अलग अलग तकनीकों के द्वारा लेकिन ये जो एक डिसएडवांटेज भी है इस मैथड की ये कॉस्टली है टाइम कंज्यूमिंग है और कहीं ना कहीं ये डिस्करेज करता है पुअर परफॉर्मर्स को जो लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या अपनी क्षमताओं से वो कार्य को नहीं कर पा रहे हैं बेहतर तरीके से तो उनको ये डिस्करेज करता है बाकी ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप किसी एम्प्लॉ को आगे प्रमोट करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि उस प्रमोशन पर उसका कार्य किस प्रकार से होगा उसके अंदर वो क्षमताएं हैं या नहीं हैं, उसके लिए आप ये असेसमेंट मैथड का तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बाद है आपका 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल जैसा कि इस मेथड का नाम है वैसे ही तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है इसमें आप अपने कर्मचारी का जो मूल्यांकन करते हैं उसके कार्य का जो मूल्यांकन हो रहा है वो चौतरफा हो रहा है सिक्स सिक्सटी डिग्री का मतलब हो गया हर तरीके से पूरा आप इसको मल्टी रेडर फीडबैक भी कहते हैं आप इसमें क्या करते हैं अलग अलग लोगों से विभिन्न प्रकार के लोगों से उस कर्मचारी के प्रदर्शन का आप मूल्यांकन करते हैं उनसे फीडबैक लेते हैं उनसे जानकारी लेते हैं जिसमें आप केवल एक परसेंट पर विश्वास नहीं कर रहे हैं जैसे अगर हम पारंपरिक तरीकों की अगर बात करें तो उसमें ज़्यादातर जो फीडबैक मिलता था या जो ज़्यादातर आपकी रेटिंग होती थी वो आपका इमीडिएट सुपीरियर देता था लेकिन यहाँ पर उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए और कई बार जो हमारा सुपीरियर होता है वो हमसे हमारे बारे में कई बार गलत मूल्यांकन कर देता है अगर हमारी उससे बहुत ज़्यादा नहीं बनती है या हमारे जो रिलेशन से बहुत ज़्यादा क्वाडियल नहीं है तो उस केस में ये 360 डिग्री परफॉर्मेंस और मेथड जो है वो बेहतर साबित होता है और इसी को हम आज के समय पे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि एम्प्लॉय से खुद से पूछा जाता है सबसे पहले जो हम पूछते हैं एम्प्लॉय की जानकारी जो लेते हैं उससे खुद से लेते हैं कि वो अपने आप को किस प्रकार से अपने कार्य को रेट कर रहा है वो अपने बारे में कितना कितना बताता है तो उसी से खुद से जानकारी ली जाती है उसके कार्य के बारे में दूसरे से पूछने से पहले उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हम उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं उसके बाद जो उसका सुपीरियर होता है जो उसका बॉस है इमीडिएट उससे उसकी जानकारी ली जाती है उसके सबॉर्डिनेट से उसके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उससे भी उसका फीडबैक लिया जाता है ऐसा नहीं है कि केवल सुपीरियर ही आपका फीडबैक देगा तो ये सुपीरियर को भी पता है कि आज मैं अपने सबॉर्डिनेट का फीडबैक दे रहा हूँ और सबॉर्डिनेट से भी पूछा जाएगा कि मेरा क्या परफॉर्मेंस है और मैं किस तरीके से कार्य को कराता हूँ तो सुपीरियर और सबॉर्डिनेट दोनों एक दूसरे के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ आपके जो साथ कार्य कर रहे हैं लोग हैं जो आपके पियर जिसको हम बोलते हैं सहकर्मी हम जिनको कहते हैं उनसे आपके बारे में पूछा जाता है क्योंकि आप दिन रात उनके साथ कार्य कर रहे हैं और किस तरीके का कार्य कर रहे हैं उनको बहुत बखूबी पता है तो बहुत हद तक उनसे आपके कार्य का मूल्यांकन करने में मदद मिलती है तो थ्री सिक्सटी डिग्री मेथड वही मेथड है जिसमें हम चौतरफा जो मूल्यांकन कर रहे हैं वो हर हर प्रतः हर प्रत्येक से हम पूछ रहे हैं हर हर किसी से हम आपकी जानकारी कर रहे हैं स्वयं आपसे आपके सीनियर से आपके सबॉर्डिनेट से साथ ही आपके सहकर्मी कर्मचारियों से इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेथड है उसको हम बात करते हैं लागत लेखांकन विधि लागत लेखांकन विधि आज के समय पे बहुत हद तक इस्तेमाल होने लगी है क्योंकि सभी संगठन जो हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल वे में कार्य करती हैं आज की जो आ, आज का जो कंपटीशन है वो इस तरीके का है कि आप हमको बेनिफिट देंगे तो हम आपको बेनिफिट देंगे और संगठन जानती हैं कि आज के समय पर एक ह्यूमन रिसोर्स पे बहुत हद तक कंपनी का खर्चा होता है बहुत हद तक उन पर एक्सपेंडिचर किया जाता है जबकि हम उसको कॉस्ट के फॉर्म में नहीं देखते इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में देखते हैं बट हर संगठन ये चाहती है कि उस इन्वेस्टमेंट पर उनको रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा अगर उनको रिटर्न नहीं मिलता है तो उनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली अच्छी नहीं है कि जिन पे इतना खर्चा हो रहा है उसके बाद उन पर रिटर्न ना मिले तो कहीं ना कहीं संगठन उनको परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं मानती तो ये जो मेथड है वो एम्प्लॉ की परफॉर्मेंस किया जाता है ऑन दी टर्म्स ऑफ मॉनिटरी रिटर्न दी एम्प्लॉय गिव टू हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन आप उनको कितना मॉनिटरी फॉर्म में रिटर्न दे रहे हैं कितना उनको बेनिफिट करा रहे हैं मॉनिटरी फॉर्म में उसके बेसिस पे आपका मूल्यांकन किया जा रहा है किसी कर्मचारी को संगठन में रखने में शामिल लागत और संगठन में उसको मिलाने वाले लाभ के बीच एक संबंध पहचाना जाता है आपके आपको कॉस्ट क्या आपके ऊपर इनकर की गई है और उस कॉस्ट के बाद आपने संगठन को कितना बेनिफिट दिया है इन दोनों की रिलेशनशिप को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं इस कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड में डिवैलुएशन इज़ बेस्ड ऑन दी इस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन दी कॉस्ट एंड बेनिफिट जैसे हम हर तरीके से कॉस्ट और बेनिफिट का मूल्यांकन करते हैं कोई भी चीज़ खरीदने से पहले हम देखते हैं कि इसकी लागत क्या है और इससे हमें क्या फ़ायदे मिलेंगे इसी तरह से संगठन में कर्मचारियों को भी जो मूल्यांकन किया जा रहा है वो उनके कॉस्ट उन पर क्या लागत खर्च हो रही है किस तरीके से जो कॉस्ट है इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं वो हो रहे हैं और उससे संगठन को कितना फ़ायदा मिल रहा है उसको आप यहाँ पर समझते हैं ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कंसिडर किए जाते हैं बाई इुएटिंग दी इम्प्लॉ परफॉर्मेंस थ्रू दिस कॉस्ट अकाउंटिंग मैथड सबसे पहले हमने कहा दूसरों के साथ पारस्परिक संबंध कैसे हैं आपके इंटर रिलेशनशिप रिलेशन कैसे हैं लोगों के साथ आप ऐसा तो नहीं है आप अकेले अकेले रह के कार्य करते हैं आप संगठन क्योंकि एक ऐसा कार्य है जो मिलकर किया जाता है एक दूसरे के साथ आपके जो संबंध हैं वो अच्छे होने चाहिए क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस और सर्विसेज गिवन टू दी ऑर्गेनाइजेशन आप किस प्रकार से प्रोडक्शन कर रहे हैं क्या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन आपकी हो रही है और आप संगठन को अपनी कैसी सेवाएं दे रहे हैं आप वेस्ट कितना कर रहे हैं चीज़ों को डैमेज कितना पहुंचाते हैं आपके द्वारा एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं अगर आप किसी भी चीज़ को नुकसान कर रहे हैं तो वो भी आपकी कॉस्ट है जो आप उसमें लगा रहे हैं संगठन को उससे नुकसान पहुँच रहा है एवरेज वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन एंड सर्विसज बाय एन एम्प्लॉक एवरेज वैल्यू कितनी आप कितना प्रोडक्शन कर देते हैं कितनी सर्विसेज आप आमूमन तौर पे दे देते हैं क्या उतनी ठीक है या उससे कम दे रहे हैं या उससे ज़्यादा हैं ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा लेकिन अगर आपको एक एवरेज परफॉर्मेंस आपकी इतनी होनी चाहिए उतनी नहीं है तो ये एक चिंता का विषय है ओवर हैड कॉस्ट इनकर्ड आपके ओवर हेड पर क्या और और क्या खर्चे हुए आपके ऊपर ठीक है आपको संगठन में रखने के लिए आपको संगठन में जैसे आपने कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम किया आप कहीं कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए या आप कहीं और ऐसी जगह पे गए जहां पर संगठन ने आपके ऊपर खर्चा किया है और आप उस प्रकार से संगठन को रिटर्न नहीं दे रहे हैं या लौटा नहीं रहे हैं तो उससे आपकी परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगा तो ये हमारे कुछ मॉडर्न मैथड्स थे जिनके द्वारा हम परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं इम्प्लॉइज की अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रोसेस की इसकी प्रक्रिया क्या है परफॉर्मेंस अप्रेजल कैसे किया जाता है उसकी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हमें परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स बनाने हैं आप क्या चाहते हैं प्रदर्शन मानक स्थापित करने होंगे आप किस तरह की परफॉर्मेंस अपने एम्प्लॉय से चाहते हैं उसके आप स्टैंडर्ड्स बनाइए और उन स्टैंडर्ड्स को आप अपने कर्मचारियों को बताइए एक कर्मचारी के निर्धारित मानकों का संचार करना भाई आप मुझसे क्या चाहते हैं कोई संगठन अपने कर्मचारी से चाहता क्या है उसके पीछे उसका आ, क्या सोच रखता है कि इसकी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए तो वो स्टैंडर्ड आप बना दीजिए और उसको बनाने के बाद उसको बताइए उसको कम्युनिकेट करिए ताकि उसको मालूम है कि मेरा संगठन मुझसे ये चाहता है उसके बाद आपको मेजर करना है उसके एक्चुअल परफॉर्मेंस को ये स्टैंडर्ड है ये आपको बता दिया क्या कि आपको ये अचीव करना है और उसके बाद आपने एक्चुअल में कैसा परफॉर्म किया आपने जो एक्चुअल परफॉर्मेंस थी उसको आपको मेजर किया जाएगा उसके बाद कंपैरिजन होगा आपके एक्चुअल और स्टैंडर्ड के बीच में आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और आपका स्टैंडर्ड क्या था मान लीजिए आपको टारगेट दिया है कि आपको आ, सौ यूनिट बनानी है तो सौ यूनिट बनाने के लिए आपको टारगेट दे दिया गया था कि आपको एक हफ्ते में सौ यूनिट बनानी थी और आपने जो एक्चुअल में बनाई है वो मान लीजिए अस्सी यूनिट बनाई है ये आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है और या ये आपका ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है तो इसके बीच में जो डेविएशन है इसके बीच में जो गैप है उसको आप स्टडी करते हैं कि जो डेविएशन है वो क्यों है मान लीजिए आपको सौ का दिया गया था और आपसे एक सौ बीस यूनिट आपने बना दी तो आपने एक्चुअल में ज्यादा काम कर दिया जो आपको स्टैंडर्ड दिया था आप स्टैंडर्ड से भी बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं आप स्टैंडर्ड दिया था आपके पास हंड्रेड दिया था हंड्रेड आप पूरा कर रहे हैं तो आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है और आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर स्टैंडर्ड से कम है तो उसके पीछे मूल्यांकन करने की कोशिश की जाती है कि ये क्यों कम है पीछे क्यों है उसके बारे में जानकारी की जाती है फिर डिस्कशन किया जाता है उस कंसर्न एम्प्लॉई से जैसा मैंने कहा अगर वो कम अटेन कर रहा है उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस तक नहीं है तो उससे बारे में उसे डिस्कशन किया जा रहा है और इनिशिएट लिए जा रहे हैं करेक्टिव एक्शंस को ठीक है आपके आपकी जो परफॉर्मेंस अगर पूरी नहीं हो पाई है तो सकारात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है ताकि आप करेक्टिव एक्शंस ले सकें और उसको और बेहतर कर सकें तो ये आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक प्रोसेस है प्रक्रिया है जिसमें आपने एक स्टैंडर्ड बनाया उस स्टैंडर्ड को बनाने के बाद अपने कर्मचारी को बताया उसकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस को देखा उसको दोनों को कंपेयर किया कंपेयर करने के बाद उस एम्प्लॉय के साथ आपने डिस्कस किया और उसके बेसिस पर आपने जो करेक्टिव एक्शंस हैं कैसे इसको और बेहतर किया जा सकता है और कैसे और अदर निर्णय लेने पड़े आपको जैसे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के द्वारा आप इसको बेहतर कर सकते हैं तो आप वो सारे डिसीजन मेकिंग यहाँ पर करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल आपके क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो परफॉर्मेंस अप्रेजल करने में कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मूल्यांकनकर्ता की मूल्य प्रणाली वैल्यू सिस्टम ऑफ इवेल्यूटर बहुत ज़रूरी है देखिए जो भी इवेलुएटर है वो किस प्रकार से इवेलुएट कर रहा है उसका वैल्यू सिस्टम कैसा है वो कितना फेयरली उस कार्य को कर रहा है या अनफेयर होके या बायस्ड होके अगर इवेलुएशन करता है तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा कारक होगा जिसकी वजह से आपके मूल्यांकन में आपके कार्य के मूल्यांकन में डिफरेंस आएगा डोमिनेंट वर्क कंडीशंस क्या हैं क्या इंक्लिनेशन है आपका लोगों का डायनेमिक नेचर कैसा है कार्य करने का आपका वर्क रूटीन और मेंटेनेंस कैसा है आपके इंटरपर्सनल रिलेशंस कैसे हैं लोगों के साथ कैसे आप उसको रैंकिंग देते हैं क्वालिटीज़ को आप कैसे एम्फेसाइज करते हैं एंड एम्फेसाइज़ करते हैं कंसिटेंसी ड्यू टू सम समासफ़ी इसके अलावा आपकी लॉयलिटी कैसी है कितने लॉयल हैं आप लेवल ऑफ़ अचीवमेंट आपका किस प्रकार से है उपलब्धियों का स्तर जो है वो देखते हैं और उसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जैसे कि सुप्रियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ सुपीरियर रिपोर्टिंग ऑफिसर कई बार ये आपके जो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं उनको सुपियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ओवरऑल असेसमेंट डू नॉट टेक प्लेस ओनली सर्टेन इंसिडेंट्स आर असेस आप सारी चीज़ों को ना असेस करने के बजाय कुछ ही चीज़ों पर आप असेसमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस पे दिक्कत आएगी पास रिकॉर्ड ऑफ सब भी इम्पैक्ट करता है मान लीजिए पास्ट में वो बंदा अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था लेकिन प्रेजेंट में उसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है बहुत अच्छी है इम्प्रूवमेंट हुआ है लेकिन अगर पास्ट को आप स्टडी करते रहेंगे तो उस पर इम्पैक्ट आएगा पर्सनैलिटी ऑफ दी सबॉर्डिनेट हो सकता है इतनी प्लीजिंग ना हो लेकिन उसका कार्य बहुत अच्छा है तो भी उस पर इम्पैक्ट आता है एबिलिटी ऑफ सबॉर्डिनेट टू एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस एट दी हायर लेवल और आप कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस पावर क्रिएट कर पा रहे हैं हायर लेवल पे उससे भी आपकी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन पे फर्क पड़ता है लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसके अलावा बेनिफिट्स क्या हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के हम अलग अलग तरीके से इनको स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद मिलती है ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट इसलिए मिलता है क्योंकि आप पता लगाते हैं कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए और आप सही समय पर उसका डिसीजन ले पाएंगे आप चेक कर पाएंगे कि कैसे आप इसकी परफॉर्मेंस को और बेहतर करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल आपका अचीव हो सके लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए बहुत जरूरी है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करें अप्रेजर के लिए भी बहुत जरूरी है इवेल्युएशन परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडिविजुअल्स के बारे में इंडिविजुअल जॉब्स के बारे में आपको बेहतर क्लैरिटी और अपॉर्चुनिटी uh, देता है समझने के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करने में आपको मदद करता है आपको मदद करता है कि आप अपने टारगेट्स पे फोकस करें और एक बेहतर यू नो अमाउंट में आप अपने सबॉर्डिनेट को गाइड करें कि वो अपने कार्य को किस प्रकार से अच्छे से करे यह अप्रेजी के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि अगर कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको उसको मोटिवेशन मिलता है जॉब में सेटिसफेक्शन मिलता है उसकी पर्सनल वैल्यूज़ बढ़ती हैं उसका मुराइल बढ़ता है उसको अपनी uh, शक्तियों का और अपनी कमियों के जानकारी मिलती है उसको पता चलता है कि कहाँ पर उसको इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और कैसे उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी इसके अलावा इसमें कुछ समस्याएं भी आती हैं हेलो इफेक्ट जैसे कई बार क्या होता है कि जो सबॉर्डिनेट है वो फर्स्ट इंप्रेशन से ही इंप्लॉ के खुश हो जाता है उसके पॉजिटिव आस्पेक्ट्स देखता है और केवल उसी के बेसिस पे उसको रेट कर देता है सेंट्रल टेंडेंसी एरर में आप क्या करते हैं ज़्यादातर आप अपने आप को बचाने के लिए जो सुपीरियर क्या करते हैं एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना देते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इम्प्लॉयज़ को इस तरीके से बांट दें ताकि उनको कोई बहुत ज़्यादा जवाबदेही ना हो लीनियंसी के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा एवेलुएट करते हैं तो वो भी दिक्कत देता है और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ आप करते हैं तो वो भी दिक्कत अलग होता है कई बार आप पर्सनल प्रिजुडाइज अपने पर्सनल इंस्टिट्यूट के बेसिस पे पर्सनल रिलेशनशिप के बेसिस पे आप परफॉर्मेंस कोट करते हैं वो भी एक सही तरीका नहीं है ये प्रॉब्लम होती है और कई बार हम रिसेंट इफेक्ट्स को ज़्यादा फोकस करते हैं मान लीजिए किसी कर्मचारी ने पहले कार्य अच्छा नहीं किया था लेकिन कुछ समय से वो बहुत अच्छा कर रहा है तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय कि उसकी पिछले परफॉर्मेंस पे या हो सकता है कि पिछले बार उसने बहुत अच्छा किया हो लेकिन अमूमन कुछ समय से वो अच्छा नहीं कर पा रहा है तो हम उसको प्रेजेंट के बेसिस पे इवेलुएट कर दें ना कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पे परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रैक्टिस क्या फॉलो की जाती है इंडिया में क्योंकि ज़्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अब इस सिस्टम को फॉलो करती हैं जैसे फोर्ड है माइक्रोसॉफ्ट है सन माइक्रो सिस्टम है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करती हैं और ज़्यादातर इंडिया में जो मैथड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो थ्री सिक्सटी डिग्री मैथड है टीम परफॉर्मेंस अप्रेजल है और रैंक एंड यंग स्ट्रेटेजी है रैंक एंड यंग स्ट्रैटेजी में आप इम्प्लॉय को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं जिसमें कि आप उसको गुड और बैड कैटेगराइज़ करते हैं और इसके बेसिस पे उनकी रैंकिंग करते हैं बेस्ड ऑन देयर जॉब परफॉर्मेंस इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस अप्रेजल मैथड्स कौन से हैं अगर हम बात करें प्रभावी बनाने के लिए तो हम उनको बिहेवियरली बेस्ड मैथड को यूज़ कर सकते हैं ऑन गोइंग फीडबैक हम उन्हें दे सकते हैं मल्टीपल रेटर्स मैथड का हम यूज़ कर सकते हैं जिसको कि हम थ्री सिक्सटी डिग्री इवेलुएशन भी बोलते हैं और बेहतर होगा कि हम पीयर इवेलुएशन करें क्योंकि उससे बहुत हद तक आपको जानकारी मिलती है कि कार्य किस प्रकार से हो रहा है उनके साथ कार्य करने वाले कर्मचारियों से इस व्याख्यान के लिए जो सोर्सेज हमने लिए हैं जिन किताबों से हमने इसके व्याख्यान के कंटेंट को कवर किया है वो कुछ इस प्रकार से हैं इसके साथ ही हमारा ये व्याख्यान खत्म होता है धन्यवाद आप सभी का थैंक यू